प्रधानमंत्री मोदी और उनके भूटानी समकक्ष टोबगे ने थिम्पू में भारतीय सहायता से बनाए गए अस्पताल का किया उद्घाटन। नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का किया बंटवारा। मुख्यमंत्री ने आज सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को करवाया पदभार ग्रहण। हरियाणा के परिवहन मंत्री बने असीम गोयल ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए हरियाणा रोडवेज की बस में पहुंचे चंडीगढ़। इस दौरान यात्रियों, बस चालक व परिचालक से की बात। और देश आज कर रहा है तीन महान शहीद देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद। आज ही के दिन तीनों को दी गई थी फांसी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, शहीद दिवस पर पदभार देशभर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भूटान की दो दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान कल भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री का भूटान में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष और भूटान के राजा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहमति बनी है, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल रहे हैं। काशी दे ले, यही अपनापन हमारे रिश्ते को अनूठा बनाता है। और अभी मैं कल्चरल कार्यक्रम देख रहा था, जिस प्रकार से भारत की विशेषताओं को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के गीत संगीत नृत्य को और खास करके मेरे गुजरात को आपने जिस प्रकार से यहां प्रस्तुत किया, कितने दिन मेहनत की होगी इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन भारत आपके दिल में बसता है तभी तो ऐसा आयोजन होता है। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री टोबगे ने आज थिम्पू में भारत की सहायता से बनाए गए ग्याल तत्सुएन जेत्सुन पैमा मातृ व शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास गृह, राजस्व और आपदा प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति, खान व भू विज्ञान और विदेशी सहयोग, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के पास कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन, विरासत एवं पर्यटन और संसदीय कार्य, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के पास उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम, खाद, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले और चुनाव, कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह के पास ऊर्जा एवं जेल, कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल के पास वित्त, नगर एवं ग्राम नियोजन और अभिलेखागार, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक निर्माण और वास्तुकला, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष और नागरिक उड्डयन विभाग सौंपा गया है। वहीं राज्य मंत्री सीमा त्रिखा के पास स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के पास विकास एवं पंचायत और सहयोग, राज्य मंत्री असीम गोयल के पास परिवहन, महिला एवं बाल विकास, राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के पास सिंचाई एवं जल संसाधन और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, राज्य मंत्री सुभाष सुधा शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, राज्य मंत्री बिशंबर सिंह सामाजिक न्याय, एससी और बीसी कल्याण और अंत्योदय और मुद्रण और स्टेशनरी, और राज्य मंत्री संजय सिंह के पास पर्यावरण, वन एवं वन जीवन और खेल का विभाग सौंपा गया है। हरियाणा के नए परिवहन मंत्री बने असीम गोयल ने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने के लिए आज अंबाला शहर से हरियाणा रोडवेज की बस से चंडीगढ़ पहुंचे।
बस में अपने सफर के दौरान मंत्री असीम गोयल ने बस में सवार यात्रियों, बस चालक व परिचालक से भी बात की। इस दौरान मंत्री असीम गोयल ने बस में फर्स्ट एड बॉक्स भी चेक किया। इस दौरान असीम गोयल ने बताया कि जिस विभाग का जिम्मा उन्हें मिला है उसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए वो आज बस में सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान यात्रियों ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। बंतो कटारिया ने जिला पंचकुला के गणमान्य लोगों के घर जाकर मोदी सरकार और नायब सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया के अंबाला लोकसभा के लिए कुछ सपने अधूरे रह गए हैं जिन्हें पूरा करना है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में उद्योगों, विशेषकर मिक्सी, वैज्ञानिक उपकरणों व सहा के एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पूरा करूंगी। अंबाला ये एक ऐसा है जहां हमारे पहले गोपी मिक्सी उद्योग था, साइंस का इंस्ट्रूमेंट बनते थे, और दूसरा सहा इंडस्ट्री एग्रो के नाम से जाना जाता है, और अब धीरे धीरे वहाँ बिजनेस के हब आने शुरू हो गए हैं। और ये मेरी प्रायोरिटी भी रहेगी कि अंबाला भारत के नक्शे पे इंडस्ट्री के माध्यम से और ये गोपी मिक्सी के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें जो अंबाला में आ सकती हैं तो मैं देश के प्रधानमंत्री से करवाने का काम करूँगी। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जेजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नारनौल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्टी की नीतियों से परेशान होकर जेजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा का टिकट दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे निभा पाएगी और एक बार फिर से मैं जेजेपी में आ चुका हूं। मैं जिस प्रकार से आज से 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी में गया वो जाने का कोई और कारण नहीं था कि मुझे इस पार्टी से कोई नफरत हो गई थी, लेकिन हमारी लोकदल पार्टी में कहीं ना कहीं पारिवारिक कहीं ना कहीं समस्या आई और उसको लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में भी उस कदर में सेवा करना चाहता था जिस कदर मैंने यहाँ सेवा की, लेकिन मैंने जो सेवा की उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मेरा सम्मान करने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने समझा कि अगर कोई सम्मान करवाना है और कोई सम्मान करना जानता है तो चौधरी देवलाल की पार्टी है, और इसको लेकर के मैंने दुष्यंत चौटाला को अपना नेता मान करके और दुष्यंत चौटाला के साथ में एक मजबूत देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाने के लिए जैसे चौधरी देवलाल ने देश और प्रदेश में पूरी तरह से पूरे देश में एक हवा बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से इस नौजवान साथी का खास करके हरियाणा में और देश में एक नई पहचान बनाने का काम करेंगे, जेजेपी पार्टी की करेंगे। जेजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज देश मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत माता के महान सपूत शहीद आजम, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। ये तीनों आजादी के गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूम गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र आज मां भारती के सच्चे सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। शहीद दिवस पर देशभर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट एक्स के साथ एक वीडियो भी साझा किया। मार्च को भगत सिंह जी को उनके साथी सुखदेव और राजगुरु अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, जीवन के सारे सपने मां
मां भारती की आजादी के लिए समाहित करते हैं और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा है और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती है। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर आज सिरसा की अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में सिरसा के बस अड्डा परिसर में आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रोडवेज कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रोडवेज कर्मचारियों ने एक मिनट का मौन रख शहीदों को नमन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि आज शहीदी दिवस पर शहीदों को याद किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहिए और शहीदों के बताए रास्ते पर चलकर अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। उनकी यादें ताजा करते हुए आज सिरसा डिपो वर्सोप गेट पर हमने शहीदी दिवस मनाया और उसमें हमारे काफ़ी कर्मचारियों ने भाग लिया और हम सभी मतलब जितने भी नौजवान साथी भी हमारे ट्रेनिंग वाले आए थे हम उनको बस यही मतलब उनकी प्रेरणा देते हुए मतलब यही उनके राहों पर उनकी राहों पर चलते हुए और चलो आज की टाइम में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं मिल सकता लेकिन हम उनके जो हमारे छोड़े गए हैं जो तो संदेश हो गया उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और वही आज हमने इनको बारे में सभी युवाओं से आगे ये निवेदन करते हैं कि नशे को छोड़कर इनके बताए हुए चिन्हों पर आगे भारत को आगे बढ़ाएं और आपको भी आगे बढ़ाएं। नशा छोड़ने नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसके पद पर चलेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये इनके शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलने से सब कुछ ठीक होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर सामाजिक संस्था निफा की ओर से करनाल में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदी दिवस पर युवाओं को प्रेरणा देने और उनके विचारों को अवगत कराने के लिए आज पहली हरियाणवी फिल्म भगत सिंह एक अमर कथा का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राहुल शर्मा और दीपक सोनी ने कहा कि यह एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे सभी को देखना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। शर्मा भी हमारे जो मोटिवेशन है शुरू से हम लोगों ने बुक्स में भी शहीद भगत सिंह जी के बारे में ही पढ़ा है और मौका मिला हमें इस दौरान इस लाइन में आने के बाद भी हम भगत सिंह के लिए भगत सिंह जी के लिए एक फिल्म को बनाएं और धीरे धीरे हम लोगों ने ट्राई करी है और बहुत सारी टीम को इकट्ठा करके और जैसे उनके साथ मैच करते थे उनके करेक्टर्स हमने उनको साथ लेके प्रयास किया है एक हरियाणवी लैंग्वेज को हरियाणा को प्रमोट करने के लिए अपनी लैंग्वेज को अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए हमने ये जो फिल्म बनाई है। इस अवसर पर युवाओं ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और हमें आज़ाद कराया उसी प्रकार हमें भी समाज को रक्त की कमी से आज़ाद करते हुए रक्तदान करना चाहिए। आज एक बहुत ज्यादा रंगी है कि असि ब्लड डोनेट करांगे तो साडा जो ब्लड है वो कट हो जाएगा लेकिन इधर का कुछ भी नहीं। स्पेशली युवा हो गए जिवें कि कुड़ियां हो गई मैं उन्होंने कहना चाहूंगी इधर ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुसी भी आओ ते ब्लड डोनेट करो। हमें हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और सामने अगर कोई मरीज होगा तो उसको भी ब्लड की कमी से उनको दूरी मिल सकती है। भगत सिंह ने हमारी पूरी मतलब की देश दुनिया को पता है कि भगत सिंह जो है हमारे शहीदी है और युवा रहे हैं तो ऐसे हम सभी को कहते हैं कि आप सभी भी आगे आए देश के लिए आगे आए देश के आगे है देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे है। कार्यक्रम के आयोजक प्रतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि जिन अमर शहीदों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी हम लोग उनकी याद में हर साल रक्तदान शिविर लगाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उम्र थी भगत सिंह जी की और उनके साथी भी उसी युवावस्था में थे जब देश की आज़ादी के लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे
तो हर वर्ष हम उनके याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। आज भी यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, बच्चे जो है, युवा जो है, वो रक्तदान करके शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहाँ साथ ही आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत पर, उनके जीवन पर एक पहली हरियाणवी फिल्म बनी है। पंजाबी में कई फिल्में बनी हैं इन शहीदों पर, हिंदी में भी बनी है, लेकिन हरियाणवी में पहली बार जो है फिल्म बनी है, जिसके लिए मैं जो प्रोड्यूसर राहुल शर्मा और डायरेक्टर जो हैं साथ में दीपक सोनी जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें कृष्ण मलिक जी हैं, डॉक्टर आबिद हैं और बहुत से यहाँ सारे पूरी जो स्टार कास्ट है और जिन्होंने गीत लिखे हैं, वो सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रजांगला शौर्य समिति द्वारा कल स्थानीय रजांगला युद्ध स्मारक पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रजांगला युद्ध के जीवित योद्धा सेना मेडल निहाल सिंह यादव व कप्तान रामचंद्र यादव की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसजीटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम की जनसंचार और पत्रकारिता फैकल्टी डॉक्टर सारिका ठक्कर, प्रोफेसर अभिषेक दुबे 40 विद्यार्थियों के दल के साथ आयोजन में शामिल हुए। आयोजन के दौरान अपने अपने मोबाइल फोन से विद्यार्थियों ने जांबाज नायकों के साक्षात्कार किए। कार्यक्रम में रजांगला युद्ध के परासीमिति महासचिव राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने मंच संचालन करते हुए जब रजांगला युद्ध के पराक्रम और इलाके की गौरवशाली सैन्य परंपराओं का बखान किया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने युद्ध स्मारक पर आकर रजांगला के इतिहास के बारे विस्तार से जानकारी हासिल की। इस दौरान सभी ने सामूहिक रूप से ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत गुनगुनाया। सबसे बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा त्यौहार हमारे पास नहीं है। क्यों? जो हमारी बाजू है उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या गर्व बहुत होता है सब। उस टाइम जब जो वीरांगना थी उनकी 16 साल उम्र थी, आज उनकी हालत ये होगी कि एक हफ्ते में केला गल के काला पड़ जाता है, बहुत दुख होता है। मैं हर बच्चियों के और उसमें शादी वगैरह में जाता हूँ खानदान करने के लिए, लड़के में नहीं पहुँचा कोई बात है, बाद में आशीर्वाद दिया था। लेकिन मैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीन स्टेट में, पिछली दफा तो मैं पंजाब में भी गया। इनके शौर्य को और बलिदान को उचित स्थान और सम्मान दिलाने के लिए अहीर रेजिमेंट और अहीरवाल राइफल्स का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा और हम प्रण लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपनी सैन्य परंपरा को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा में भेजते रहेंगे ताकि वो राष्ट्र रक्षा में अपनी आहुति दे सकें। और साथ ही में प्रण ले रहे हैं कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता ये मेले लगते रहेंगे, हम अपने पुरखों के शौर्यों को याद करते रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को जीवित करते रहेंगे। शतान सिंह भाटी जो मेजर साहब के जो नेतृत्व में कैसा युद्ध लड़ा गया, जिसमें हमारे सारा आले अधिकारियों ने कहा कि आप चौकी छोड़कर आप पीछे हट जाओ, पर मेजर साहब ने बोला कि मैं अपनी अंतिम जान तक, अपने अंतिम रक्त तक और अंतिम मिनट तक मैं उन 3,000 लोगों से लड़ूंगा। 3,000 लोगों दुश्मन, 3,000 लोगों ने हमारे फौजी को 120 थे, खाना भी बहुत कम था, बुलेट्स भी नहीं थे, हमारे पास राइफल भी ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक बुलेट चले, वो पूरा गंदा फोड़ दिया करते वैसे एक राइफल, जिसके साथ उन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ा, एक ऐसा कोहराम मचाया कि दुश्मन की खून की नदियां वादी। काफी अच्छा अनुभव हुआ है, जैसे कि हम आज के नौजवान हैं तो हमें अपने हिस्ट्री के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा कि रिवाड़ी से ही सिर्फ और सिर्फ 40 सैनिक ने अपनी जान का बलिदान देकर और हम सभी को मतलब बचाया, तो काफी अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला। शिक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों में नया दाखिला लेने वाले बच्चों का स्वागत किया जाएगा ताकि बच्चों से नए स्कूल की झिझक को मिटाया जा सके। इस कड़ी में भिवानी जिला के गांव घुसकानी स्थित शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय में प्री प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 6ठी कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों का स्वागत पौधारोपण कर किया गया। इसके अलावा रंग गुलाल लगाकर वे फूलमालाओं वे चॉकलेट देकर भी बच्चों का स्वागत किया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि प्री प्रवेश उत्सव के दौरान रोपित किए गए पौधों की देखभाल व संरक्षण की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपी गई है ताकि विद्यार्थी भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ पाए। बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को रोकने में वृक्ष ही सक्षम है और जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतना ही पर्यावरण शुद्ध होगा, जो कि मानव समाज व पशु प्रजाति के भविष्य के लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि प्री प्रवेश उत्सव
परम पौधारोपण की पहल को बहुत अच्छा बताया तथा कहा कि इसमें वे पर्यावरण संरक्षण का महत्व जान पाए हैं। उसको बचाने के लिए हमें खुद आना होगा और बच्चों को भी आगे लेके आना होगा और पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना होगा। पर्यावरण क्या चीज़ है, बच्चों को पता नहीं होता पर्यावरण के बारे में, उनको आज बताया गया है। पौधे लगाए गए, उनके हाथ से पौधे लगवाए गए, उन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी उन बच्चों की लगाई गई है। पर्यावरण बचाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमारा पर्यावरण हर प्रकार से दूषित हो गया है, चाहे जल प्रदूषण की बात हो, चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे भूमि प्रदूषण की बात हो। तो हमने ये ठाना है, हम सब ने मिलकर ठाना है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। पांचवीं पद्धति के छठी में आया हूँ और हमारे यहाँ पे बहन भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। प्रवेश प्री प्रवेश स्वागत यहाँ पे गुपेन काफी गुलाल और माला से हमारा अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। मेरे भाई बहनों ने स्वागत किया है, आज से ही हमारा स्कूल लगने लगा है। नोटबुक चॉकलेट पेन माला से हमारा स्वागत किया है। भिवानी जिले के वैश्य महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मेरा माटी मेरा देश विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करवाया गया। इस दौरान चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू सदा से भारत का गौरव रही है। युवा वर्ग अपने कर्मों से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय गोयल ने कहा कि आज युवाओं का अपनी माटी से जुड़ाव जरूरी है, साथ ही युवाओं में एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अहम कड़ी का काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान देश की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा की याद दिलाते हुए भारत की मिट्टी और वीरता के एकीकृत उत्सव की कल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ाया गया सराहनीय कदम है। इसमें पूरे देश भर से लगभग 230 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश का जैसे जरूरत है कि हम ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जब तक हम अपनी माटी से नहीं जुड़ेंगे तो राष्ट्र से नहीं जुड़ सकते। हम कहीं पर भी चले जाएं, हमें हमेशा अपनी माटी जहाँ से हम पैदा हो उसको याद रखना चाहिए, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ज्वाला जो लॉ जो यहाँ से चल रही है वो सभी धीरे धीरे सभी महाविद्यालयों और स्कूलों तक पहुँचेगी और ये चिंतन वहाँ बच्चों के बीच में उजागर होगा। तो कुछ ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर चिंतन आवश्यक है, उसके लिए इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में लगभग 300 प्रतिभागियों एवं शोधार्थियों ने संगोष्ठी में सहभागिता करते हुए 235 विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैथल के राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर कॉलेज राज्य स्तरीय पुरुष और महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य के लगभग 40 महाविद्यालयों से 48 लड़के व 65 लड़कियों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इस राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग में ओवरऑल ट्रॉफी RKST कॉलेज कैथल ने जीती। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले महिला बॉक्सिंग हिमांशी भारती और पुरुष बॉक्सर लक्की और आकाश ने कहा कि हरियाणा के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार के खिलाड़ियों के हितों को लेकर बनाई गई खेल नीति है। खिलाड़ियों ने कहा कि हर युवक को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। स्टडी के साथ साथ गेम में दोनों मतलब साथ में लेकर चलना चाहिए। और आज के टाइम में गर्ल्स भी बहुत थोड़ा बॉयज से भी आगे निकल रही हैं मेडल लेने में, तो मैं बस ऐसे ही कहना चाहूँगी कि पढ़ो और साथ में खेलो। हरियाणा सरकार हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रही है, जैसे जो भी नेशनल इंटरनेशनल में मेडल लेके आता है उनको जॉब वगैरह मिल जाती है, और भी बहुत जैसे कंपटीशनों में कैश प्राइज और बाद में भी मिल जाता है। सर बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे हरियाणा। कंपटीशन हमें करना चाहिए क्योंकि इससे हारना और जीतने का तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें खेलना भी चाहिए। और रही बात मेडल की वो तो सही है, और हरियाणा सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। प्लेयर्स के लिए तो बहुत काफ़ी है क्योंकि बाहर बच्चे जाते हैं तो उनके मतलब खाने का हो गया, मतलब डाइट का ले लो, कुछ भी ले लो, किट भी वगैरह सारी चीज़ होती है। खुशी हो रही है कि मैंने अपने गेम में अपना 100% दिया और मैंने अपना फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। और मैं यही कहना चाहूँगा जो कॉलेज से स्टूडेंट आते हैं वो गेम में लगें और अपना अच्छा प्रदर्शन करें और नशे से दूर रहते हैं। हमें खेलों के द्वारा बहुत अच्छी नीति दी जा रही है, हमें डाइट के पैसे मिलते हैं, हमें बहुत वगैरह
रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा जो मेरे दोस्त हैं, मेरे स्पोर्ट्समैन प्लेयर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में आए और अपना योगदान दें और खेलों को महत्व दें। कॉलेज प्रिंसिपल मनोज कुमार भांबू ने कहा कि हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैथल के राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर कॉलेज राज्य स्तरीय पुरुष और महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता करवाने का अवसर प्रदान किया, जिस प्रतियोगिता को महाविद्यालय द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करवाया गया। पूरे हरियाणा की विभिन्न यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज से टीम्स आई हुई है और कुल 120 बॉक्सर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सरकार की जो नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलों को भी बराबर का बढ़ावा देने की, तो उसकी वजह से इस खेल में खास बात ये रही कि बेटियों ने 66 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया जबकि बच्चे 54 थे। कुल 120 बॉक्सर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 3 दिन बहुत बढ़िया बॉक्सिंग हुई। और जितने भी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स ऑब्जर्वर्स, वो सभी इस खेल प्रतियोगिता से बहुत खुश हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ये खेल प्रतियोगिता हुई है और किसी तरह की कोई आपस में मतलब डिसीजन को लेके और को लेके किसी तरह की कोई मनमुटाव वाली बात नहीं हुई। और बल्लभगढ़ के बाजारों में रंगों और भाईचारे के त्यौहार होली को लेकर खूब रौनक देखने को मिल रही है। लोग अपने बच्चों के लिए होली की पिचकारियां और रंग खरीदने के अलावा विभिन्न प्रकार की सर पर पहनने वाली विग खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार पिछले साल के अनुसार ही कीमत देखने को मिल रही है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस बार भगवा रंग की ज्यादा डिमांड हो रही है। इसके अलावा पहली बार इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जिसकी कीमत 300 से लेकर 800 रुपये तक है। होली का जी बड़ा अच्छा उत्साह है, अच्छा त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है। लोगों के लिए रंगों का बहुत महत्व है इस होली पर। तो ये बच्चों के लिए पिचकारी ले रहा हूँ, कुछ कलर्स ले रहा हूँ और छोटे मोटे आइटम लूँगा बच्चों के लिए। तो जी मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से होली मनाई जाती है और कुछ दिनों से सालों से यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो उससे ज़्यादा। और यहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लगा। और ये क्या कुछ खरीद लिया आपने? मेरे लिए अभी तो बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह खरीदी है, बाहर रखी है और स्प्रे लिए, बाकी टी शर्ट देख रहा हूँ। रंग गुलाल की सील तो है ही है, लेकिन गुलाल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भगवा कलर की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। मेरे पास 3 रुपए के गुलाल के पाउच से लेके 1000 रुपए तक की पिचकारी का रेट है, जिसमें कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पिचकारी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पिचकारी जो इसी साल आई है 300 रुपए से स्टार्ट हो गया और 800 रुपए तक की पिचकारी है। बहुत उत्साह है, बहुत लोग दिल से होली खेल रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरों पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्यौहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाब अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि केमिकल वाले रंगों की बजाय हर्बल वाले रंग और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। अगर रंग लग जाए तो जबरदस्ती न छुड़ाएं। होली खेलते समय पूरी बाजू के कपड़े पहने। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे इंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।